पागल आराम से, क्योंकि मेलबर्न जा रहे हैं, 10 घंटे की ड्राइव है। मंडे टू सैटरडे तक तो चला। ये अप्रीत भाई गए हमारे। तो गाइस बाहर आए थे, मौसम देखो, धूप भी चढ़ी हुई है और बारिश भी हो रही है। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, लास्ट आपने एक दो वीडियो पहले देखा होगा, ट्रक की बैटरी फ्लैट हो गई थी। आई थिंक वो बैटरी कोई फॉल्टी बैटरी है, हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो आज संडे है तो फिर से ड्राइवर जा रहा था ब्रिस्बेन और स्टार्ट नहीं हुआ, तो अभी हम जा रहे हैं उसको जंप स्टार्ट करने का। इस आगे 7-Eleven कोई ड्रिंक लेने, लो भाई 247 थी 1 for 550, पर सारी दूसरी पी नहीं जाती इसलिए मैंने ली नहीं है, तो फायदा ही है बट दूसरी पड़ी रहती है। चलो जी, चेंज रखेंगे इधर, ड्रिंक रखेंगे, ये हो गई खत्म, इसको रखते हैं इधर, ड्रिंक रखते हैं इधर। चलो भाई ये लगे हुए ट्रक्स, अभी करते हैं इसको दोबारा से जंप स्टार्ट। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है ब्रो। गाइस ट्रक तो स्टार्ट हो गया, ये लास्ट 2 वीक में इससे तंग किया है। लास्ट वीक तो आई थिंक मैंने लाइट ऑन छोड़ दी थी, बट मंडे टू सैटरडे तक तो चला है, रोज़ चला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये संडे को ही प्रॉब्लम आई है, तो आई थिंक चेक करना पड़ेगा, मे बी बैटरी में प्रॉब्लम ना हो। ये जा रहा है अपना बाइक क्विंसलैंड, अब इसको हम मिलाएंगे ट्यूसडे, ये वापस आएगा ट्यूसडे, आज संडे है। सालों के बाद पैसा ज्यादा आ गया, मन्नी था पीने का ड्रिंक, तो ये देखो ये देखो ये देखो, इसको ऐसे ही हम गेंडा सिंह नहीं कहते, इसकी हरकतों की वजह से कहते हैं। ओए पागल आराम से। ये क्या किया तूने, कच उठा अब जल्दी, टूट गया भाई, चल गाइज। आज लोगों की बहुत डिमांड पे हम निकल रहे हैं बी डबल लेके मेलबर्न, आज बहुत काम है, लेट निकल रहे हैं इसलिए क्योंकि थोड़ा सोना था, क्योंकि मेलबर्न जा रहे हैं 10 घंटे की ड्राइव है, थक जाएंगे, पर उससे पहले 2-3 बी डबल्स हमने लोड कराने, लोड कराने के बाद घर आएंगे, फिर सोएंगे, फिर शाम को निकलेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज रेडी हो गए हैं मेलबर्न जाने के लिए, नालिया फिर से तैयार हो गए हैं, और क्या लेकर जा रहे हैं, पानी के लिए बॉटल, तौलिया, अंडरवेयर, फेस वॉश, टूथपेस्ट, कंघी, ब्रश, परफ्यूम, एक एक्स्ट्रा शर्ट क्योंकि एक दिन वहाँ पर लगेगा हमें, और ये सब डालेंगे इस बैग के अंदर। चलो गाइस पैकिंग करते हैं, फिर पहुँच गए हैं। ये खड़ी कर दी अपनी यूट, आज स्कैनिया लेके जाएंगे वाइट वाला, इसको करते हैं कॉल स्टार्ट। लो गाइस ये रही कितना ऊंचा है, तो भाई कॉल स्टार्ट हो गया है, अभी ट्रेलर हुक करके कंपनी ड्रॉप करके ही मिलते हैं आप। ट्रेलर रेडी हो गया है, इंडिकेटर्स चेक कर लिए हैं, ब्रेक लाइट्स चेक कर लिए हैं, ये पहली चीज होती है जब आपने इंटरस्टेट निकलना है या फिर लोकल भी ट्रक चलाना है, ये चीज आपको चेक करना है। टायर मैंने चेक कर लिए हैं, कोई फटा नहीं है, कोई फ्लैट नहीं है, ब्रेकें अच्छी चल रही हैं, लाइट सारी चल रही हैं, इंडिकेटर्स चल रहे हैं, हेडलाइट चल रही है, हुक अच्छे से कर दिया है, एयरलाइंस कनेक्ट कर दी हैं, ठीक है, लेग्स दोनों उठा दिए हैं, ट्रक के टायर सारे सही हैं, ठीक है, ये बेसिक जो प्री चेक्स होते हैं वो करने पड़ते हैं ना इसका। हाँ इसके भी इंडिकेटर सारे चल रहे हैं, ठीक है गाइस, और देखो इस साइड के भी सारे इंडिकेटर्स चल रहे हैं, रेडी हो गया,
इसका मतलब हुआ वी आर गुड टू गो फॉर मेलबर्न। चलो भाई निकलते हैं। गाइस रास्ते में अंधेरा कोरो, दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है। अभी मेरी फ्लैश ऑन हो गई हुई है तो आपको आगे में भी कम दिखे, अभी बंद कैसे करते हैं मेरे को नहीं आईडिया, बट हाँ अंधेरा बहुत ज़्यादा है। चली जा रहे हैं, बस यही रास्ता है भाई, सीधा रास्ता, बस कुछ नहीं है यहाँ पे, बस सीधा रास्ता है। और होपफुली कल तक पहुँच ही जाएंगे, लंबा बहुत है। ट्रक पूरा सो पे है, देखो क्रूज कंट्रोल ऑन किया हुआ है, ठीक है। एक डेढ़ दो घंटे चल के आ गए हैं, 8 घंटे 16 मिनट का रास्ता रह गया है, तो आप खुद ही हिसाब लगा लो। बहुत बोरिंग ड्राइव होने वाली है, सीधा ही है, ऑलमोस्ट सीधा, थोड़े टर्न्स हैं, चढ़ाइयाँ हैं थोड़ी सी, आगे 2-3 घंटे चढ़ाइयाँ और टर्न्स हैं, उसके बाद बिल्कुल सीधा रोड है, ठीक है। मिलते हैं आगे जाके। सो गाइस ये ट्रक स्टॉप पे रुक के हम वेट कर रहे थे अपने दूसरे बंदे का, वो आ गया अवरीत। अब हम निकल पड़े, उसका लोड हैवी है और मेरा लोड बहुत लाइट है। आज फिर दोनों रेस तो नहीं लगेगी, बट हाँ आज इकट्ठे जा रहे हैं मेलबर्न दोनों, मज़ा आएगा, मिलते हैं आगे। देखो मैं तो गुलाब भाई जा रहे हैं मेलबर्न, गुलाब भाई का ट्रक आ रहा है मेरे पीछे। गुलाब भाई ने अवरीत भाजी, मैं फ्यूल अप कर रहा था, हो रहा फ्यूल, और ये आ गए हैं इधर। अर्निंग इन्होंने फ्यूल अप नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी फ्यूल बहुत होगा, तो मैंने फ्यूल फिल अप करने के लिए लगा दिया हुआ ट्रक, तो देखते हैं क्या बनता है। मार मार। ये अवरीत भाई गए हमारे, ये हमारे अवरीत भाई गए हैं, और थोड़ी सी ना मेरे को यहाँ पे बकल कोई स्ट्रैप लटकती हुई दिख रही थी, तो क्विकली एक इंस्पेक्शन कर लेते हैं उसके बाद निकलते हैं। ड्राइवर साइड ही थी, होपफुली स्ट्रैप ना हो कुछ और हो। हाँ ये बकल है, एक ये बकल, इसको कस देते हैं अच्छे से, ढीला, ठीक है, ये कस दिया। ये भी लूज हो जाते हैं ना थोड़े से, जब कर्टन ट्रेलर मूव करता है तो लूज हो जाते हैं। ये सब ठीक हो गए, ये भी सही है। एक बार दूसरी साइड देख लेते हैं, दूसरी साइड भी खुला हुआ है एक बकल, इसको भी टाइट कर देते हैं। और जब भी नए कर्टन्स इसमें ना, रिसेंटली नए कर्टन डाल देते हैं, तो जब भी नए कर्टन्स होते हैं उसके बकल्स वो जल्दी लूज हो जाते हैं, 3-4 महीने लगते हैं उसको सेट होने में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल गुड है, चलो चलो। एंड गाइस बड़ी देर से चल रहे हैं, जस्ट ही रुके थे ना इंस्पेक्शन के लिए, 3 घंटे 10 मिनट चल गई है और चली जा रहे हैं, सीधा रास्ता है, अंधेरा दुन बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, बस अभी फिर से चलने पड़े, बहुत ज़्यादा रास्ता बड़ा हुआ है, 7 घंटे का भी और बड़ा है, चलते हैं यार। गाइस ऐसे पहुँच गया कि साढ़े अवरीत भाजी, इन्होंने असी बस हम पास करना है क्योंकि इतना हैवी लोड है। तो गाइस फाइनली मेलबर्न पहुंच गए हैं, सुबह के 7:30 बजे हैं और ट्रैफिक हमेशा की तरह स्टार्ट बिल्डअप हो रहा है अभी, क्योंकि सुबह का टाइम है तो कम होगा इस टाइम, पर ये भी काफ़ी है। पर हाँ फाइनली बस होगी हुई है, बाल गाड़ी चला चला के, तो पहुंच के मिलते हैं अवरीत जो दूसरे ट्रक पे था, वो आगे निकल के कहीं और, क्योंकि उसने और कहीं डिलीवरी करनी है मेरी और कहीं पे, तो फिर मिलते हैं। सो गाइस मेलबर्न पहुंच गए हैं, आपके सामने ट्रक हो रहा है अनलोड, मैं बस बैठा हूँ थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ, खोल दिया एक साइड से ही अनलोड होगा, ये अच्छी बात है, तो ज़्यादा हेडेक नहीं, बट हाँ टाइम लगेगा आधा घंटा,
पीछे का भी पूरा पड़ा हुआ है, आगे का थोड़ा सा निकला है। देखो भाई एक एक करके निकालना पड़ेगा, बच्चे दोनों नहीं निकलेंगे। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं अनलोड करा के, फिर हमने लोडिंग के लिए ड्रॉप करना है ट्रेलर, वहाँ पे हमने लोडिंग खुद नहीं करानी, फिर शाम को निकलेंगे सोने के बाद। अब रीत भाई भी कहीं करा रहे होंगे, उनके भी अपडेट मिल जाएगी जल्दी कहीं से, देखते हैं। सो गाइस अनलोड करा के अब ट्रेलर लोडिंग के लिए छोड़ दिया हमने, ड्रॉप कर दिया। होपफुली अमृत पाजी ने भी छोड़ दिया होगा ट्रेलर, अभी तक तो वो सो गए होंगे। तो अभी हमने ड्रॉप कर दिया है, अब हम जाएंगे कुछ खाने, भूख बहुत लगी है, रात को नहीं खाया कुछ खास, और उसके बाद जाएंगे बेड पे, फिर मिलते हैं भाई। चलो जी ट्रेलर हमने ड्रॉप करके अभी कार पार्क में लगाया, आता नहीं था पूरा, तो इसके पिछले टायर ऊपर चढ़ा दिए कि आगे से बाहर ना निकले, और ट्रेलर हमने ड्रॉप कर दिए हैं। मन कर रहा था KFC खाने का, तो अभी KFC खाएंगे सुबह सुबह, फिर उसके बाद हम जाएंगे सोने को बेड पे, फिर शाम को लेके ट्रेलर्स वापसी। तो गाइस सो गए हैं, आपको वैसे पता नहीं पता होगा आपको, मेरे साथ मेरी पार्टनर आई थी जिद करके, तो वो ऊपर वाले बेड पे सोई है, मैं सोऊंगा नीचे वाले बेड पे, और सनरूफ हमने थोड़ा सा खोल दिया कि ज़्यादा AC ऑन करने वाली भी ठंड नहीं थी, गर्मी नहीं थी, हमने सनरूफ खोल दिया कि थोड़ी थोड़ी हवा आती रहेगी। और कर्टन हमने देखो, ये सारा कर्टन आ जाता है आगे ऐसे करके, साइड पे हो जाता है ऐसे करके, आगे हो जाता है, कर्टन सारा लगा दिया कि लाइट बाहर से ना आए, और सनरूफ खोल दिया। ठीक है गाइस, अभी सोने का टाइम है, सोते हैं फिर उठ के मिलते हैं आपसे। मेलबर्न में ट्रेलर लोड हो गया हुआ है, अब निकल रहे हैं यहाँ से। गाइस ट्रेलर रेडी हो गया हुआ है, मतलब अभी लेके निकलना है, कंपनी भी खाली है, बस 5 मिनट और फिर निकलते हैं।